नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेडिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी एक्सेल की ट्रेडिंग वीडियोस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक चार्ट्स के ऊपर। जी हां, क्योंकि आज सिर्फ चार्ट्स की वीडियो ही अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने माइलस्टोन चार्ट की वीडियोज मैंने लास्ट टाइम अपलोड किया था। अभी हम बात कर रहे हैं मिक्स चार्ट कर लीजिए, कम्बिनेशन चार्ट कर लीजिए, मिक्स चार्ट कैसे बनाएंगे, जैसे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ इस तरह की मिक्स चार्ट्स कैसे बनाएंगे। तो कोई बड़ा इसका रोल नहीं है, मैंने डेटा को कॉपी किया, यहाँ पे मैं रखता हूँ, आपके सामने बना के दिखाता हूँ। ये डेटा डिफरेंट डिफरेंट हमारे एंगल से डेटा है, हो सकता है परसेंटेज में है, कुछ कुछ में हो, इस तरह से भी चीज़ें हो सकती है। फिर पूरे को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में गया, कोई भी एक चार्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। अब किसी भी चार्ट के ऊपर गए, राइट क्लिक, चेंज चार्ट टाइप। हमें पहला रखना कॉलम चार्ट, कर्सर कॉलम है, मतलब कि कर्सर कॉलम चार्ट चाहिए, हमने रखा। दूसरा हमारा है, हमें चाहिए लाइन चार्ट, तो हमने यहां पे इसको लाइन चार्ट ले लिया। तीसरा हमें है हमारा जो है वो एरिया चार्ट है, तो हमने यहां से एरिया चार्ट ले लिया। चौथा हमारा है स्टैक चार्ट, एक्स वाई जेड स्केटर चार्ट, हमने स्केटर चार्ट को भी ले लिया। और चौथा है रेवेन्यू, तो इस रेवेन्यू को मैं पाई चार्ट में ले लेता हूँ। अब यहाँ पे पाई चार्ट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका सेकेंडरी एक्सिस आ चुका है, यहाँ क्लिक है सेकेंडरी एक्सिस पे, इसलिए पाई चार्ट में सेकेंडरी एक्सिस नहीं होता है। तो इस सेकेंडरी एक्सिस को मैं हटा देता हूँ और यहां पे मैं पाई चार्ट ले लेता हूं। अब पाई चार्ट में भी आप चाहो तो पाई ऑफ पाई भी ले सकते हैं, पाई ऑफ पाई जो होता है उसको भी ले सकते हैं इस तरह से, लेकिन मैं पाई ऑफ पाई नहीं लेता हूं, सिर्फ पाई चार्ट लेता हूं और ओके करता हूं। मेरा चार्ट कुछ इस तरह से बन गया। अब मैं इसको थोड़ा सा सही करता हूं। सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूं फॉर्मेट एक्सिस में और इसको मिनिमम 0 और मैक्सिमम 100 कर देता हूँ, तो ऊपर नीचे होता रहेगा तो ये दिक्कत होता ऑटो से। ये हमने सबसे पहले कर लिया। उसके बाद हम यहाँ बैकग्राउंड थोड़ा सा कलर और चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको फिल कलर मैंने इसका सॉलिड में रेड कर दिया, बॉर्डर पे माफ कीजिएगा, यहाँ फिल में सॉलिड फिल और मैंने यहाँ पे इसको रेड और फिर इसको तो कलर वगैरह आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि कलर क्या होना चाहिए एज पर योर रिक्वायरमेंट। और फिर इसको सेलेक्ट किया, ये हो गया, हाँ लाइन को सेलेक्ट किया, लाइन की जो लाइन है उसको सबसे पहले यहाँ स्मूथ लाइन कर देता हूँ मैं स्मूथ, और उसके बाद लाइन की कलर मैं यहाँ से ब्लैक ये ब्लू कर देता हूँ। और फिर ये हमारा स्कैटर चार्ट है, तो स्कैटर चार्ट में इसका जो कलर है वो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ और इसका बॉर्डर भी ब्लैक कर देता हूँ, दोनों ब्लैक कर देगा सही रहेगा। तो इस तरह से अब इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, तो हम इसको लाइन में यहाँ बॉर्डर यहाँ पे हम कलर रहेगा, ये रहा बॉर्डर की साइज, बॉर्डर की साइज हमने कर लिया। अब चार्ट टाइटल पे आप यहाँ जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कॉम्बो चार्ट कर देते हैं, कॉम्बो मिक्स चार्ट, जो करना चाहे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक लाइनिंग डिलीट करना है तो लाइनिंग को डिलीट कर सकते हैं। इसमें से मुझे मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन को इसको थोड़ा सा हटाना था, डबल क्लिक करूं और इसको मैं घिस देता हूं, ये अलग हो जाएगा, इस तरह से भी इसको अलग किया जा सकता है। या फिर इसको मैं चेंज चार्ट टाइप में आता हूं और मैं इसको जो हमारा पाई चार्ट है इसको मैं एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ नहीं है इसमें,
जॉन सेरे में 3D चार्ट हुआ करते थे। हाँ यहाँ तो है 3D, लेकिन 3D सिर्फ इसमें नहीं आता है, वो सिंपल होगा, 3D चार्ट होगा। और पीछे की बैकग्राउंड हटाना है, तो मैंने उसको सेलेक्ट किया, नो फिल कर दिया, पीछे का बैकग्राउंड हट गया। और इस ग्रिड लाइन को चाहो तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। कैसे? यहाँ व्यू में गया, नहीं पेज लेआउट में, और यहाँ से ग्रिड लाइन को अनचेक कर देता हूँ। इसको अपने हिसाब से जहाँ रखना चाहें वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये थी हमारी मिक्स चार्ट कॉम्बो चार्ट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप मेरा नंबर भी स्टोर कर लीजिए, कभी भी किसी तरह की एक्सेल में प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बेझिझक कॉल कीजिएगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और साथ में ही अगर आपको मेरी रिकॉर्डेड पेन ड्राइव चाहिए, या फिर आप मेरे साथ लाइव जूम ऐप के साथ जुड़ना चाहते हैं और कंप्लीट कोर्स को सीखना चाहते हैं, तो भी आप सीख सकते हैं। मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाइए एंड डेमो क्लास का फॉर्म भर दीजिए, एक दो क्लास डेमो लीजिए, फिर हम बाकी चीज़ों पर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।